अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, मानसून कैसा जा रहा है? इधर तो बहुत बारिश हो रही है सियालकोट में। तो ये जिस दिन वीडियो की है, बनाई है मैंने, उस दिन भी बहुत बारिश हो रही है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फ्राइडे का दिन है और सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा। और बहुत मज़े का मौसम है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, शायद इन महीनों में आपको पता ही है, जैसे गर्मी फिर भी कम नहीं होती। ख़ास तौर पे पसीना जो किचन में काम करना है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, बारिशें माशाल्लाह बहुत हुई हैं, और जितनी ज़्यादा बारिशें होती हैं उतनी ज़्यादा सर्दी भी पड़ेगी, और सर्दी तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस कोई भी मौसम शिद्दत का ज़्यादा हो जाए तो फिर वो तंग करता है, तो बस हर चीज़ पर अल्लाह की रहमत होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, मिस रोज़ का फर्स्ट टाइम ही मैंने मंगवाया। एक्चुअली मैं, मेरी फ्रेंड ने यूज़ किए हैं इसके लिप कलर्स, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं कहा चलो ट्राई करती हूँ। अब वो जी, एज़ यूजुअल मुझे कोरियर देना बहुत मुश्किल लगता है। तो सेल थी, बड़ी ईद की सेल थी, तो जो इनका 1200 का ये छः का पैक था, सारा ये पिंक की फैमिली से कलर्स थे, बहुत मज़े के कलर्स हैं, मैं मोस्टली यही कलर्स यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो उसके साथ भी मैंने एक दो चीज़ें और भी मंगवा ली थी, 2500 में ही सब कुछ आया था, क्योंकि मुझे कोरियर नहीं था देना, इसलिए वरना 200 कोरियर देना पड़ना था। अच्छा जी, तो अभी ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं अभी बस आज जिस दिन ये दावत हुई थी मेरे देवर वगैरह की, मैंने दावत की थी, अगले दिन मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, उसकी बर्थडे थी, तो मैंने सोचा चले उसके घर वो आती हूँ, तो आज बस मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। ये लाइमलाइट से मैंने मंगवाया था, मिस्ट था एक, तो एक परफ्यूम था, और साथ मैंने जी ये एक ली थी लोहे, आप कह लें जो कैलीग्राफी थी, बहुत अच्छी थी, और बस मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। अब ऐसा है कि पहले कभी मैं बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से गिफ्ट पैक करती थी, अब तो बहुत मुश्किल लगता है। और या हयो या कयूमो लिखा हुआ था, और बहुत ही खूब से लिखा हुआ था, बस वो दोनों पैक हो गए। अब इसको मैं पैक करूँगी, और जैसे मैं देवर पर रखे, मैंने दावत की थी उस दिन, रात को इतनी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और दिन में बहुत गर्मी थी, रात को बहुत बारिश हुई थी, और अभी भी बारिश दिन भर होती रही है, लेकिन जब बारिश रुक जाती है ना, उसके बाद से बहुत अजीब सी गर्मी शुरू हो जाती है। तो बस जी, मैं यहाँ पे अब बैठी हुई हूँ, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली, तकरीबन 5:30 बजे जाना है, और ये देखिए गर्मी किस कदर है। तो बस मैं अभी थोड़ी देर के बाद तैयार शहर होंगी, और खाना वगैरह मैंने आज बनाना कोई नहीं था, क्योंकि दावत के बाद काफ़ी कुछ घर में पड़ा होता है, तो ये एडवांटेज होता है कि आपको पकाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर मैंने जाना था, तो बस मैं जी मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आ गई हूँ। लास्ट टाइम जो मेरी फ्रेंड की गेट टुगेदर हुई थी, इन्हीं के घर हुई थी, तो बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा, बहुत मज़ा आया, बड़ा अकेली मैं ही थी। तो ये ग्लास पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें एप्पल जूस है, और बहुत अच्छे मुझे इनके ग्लास लगे थे। तो क्रॉकरी तो मेरी इतनी वीकनेस है कि मैं कहीं जाऊँ ना तो क्रॉकरी में बहुत ज़्यादा, मैं किसी के घर में कुछ भी नोटिस नहीं करती, तो क्रॉकरी भी सिर्फ मुझे देखनी होती है, अगर अच्छी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे बर्तनों में सर्व करना चाहिए। मैंने बहुत देखा है लोग नहीं करते, कई लोग ऐसे हैं नहीं करते, प्रॉपर नहीं करता टेबल सेटिंग, मुझे इन चीज़ों का एक्चुअली में शौक़ है, तो मुझे फिर बड़ा अच्छा लगता करना भी। और अभी देखें मज़े की चीज़ें हैं, अभी पास्ता बनाया हुआ था, आलू के समोसे थे, जो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया था, पैटिस था, स्प्रिंग रोल्स थे, आलू चने की चाट थी, और साथ में स्वीट डिश थी, ये मैंगो ट्राइफल था, और मैंगो कस्टर्ड के अंदर मैंगोज़ थे, और साथ उन्होंने कैंडी बिस्किट लगाए हुए थे। बड़ा एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, काफ़ी देर में बैठी थी और बहुत बातें की, एक अरसे बाद हम लोग की ऐसी गेट टुगेदर हुई थी जो अकेले हुई थी, वरना तो कंबाइन फ्रेंड्स की तो होती रहती है, तो काफ़ी देर हम लोगों ने गप्पे लगाई और हर तरह की बातें की, तो अच्छा टाइम गुजरता है आपके फ्रेंड्स के साथ, आप मेंटली तौर पर ना फ्रेश हो जाते हो। अस्सलाम वालेकुम, रात 9:45 की बारिश शुरू हुई है, और ये अब तकरीबन 16 घंटे हो गए बारिश, और इतनी तूफानी बारिश थी जो सुबह फजर के बाद से कम हुई है, लेकिन मुसलसल हो रही है, और अब इसको होते हैं ना एक 1:45 का टाइम हो गया, 16 घंटे हो गए। अभी भी आसमान जो उनसा वाइट है बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकेगी।
दिन भर बहुत बारिश भी थी। आज संडे का दिन है और काफ़ी, आज संडे को मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, मेट वगैरह ने भी नहीं आना होता, तो मैं अभी ऊपर आई थी और ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा ना, तो बहुत माशाल्लाह ग्रीनरी है हर जगह। तो जब बारिश होती है तो फिर ज़्यादा व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे ज़रा कैंट में एक दो काम थे लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। टेलर जोन सा है पार्क, ये अभी हम लोग आए तो ये पार्क है तो बहुत रश था आज पार्क में, क्योंकि इस वक्त बारिश रुकी भी थी। तो बस मुझे टेलर पे जाना था, एक दो काम थे लेकिन टेलर संडे को बंद था। फ्राइडे टोटली ऑफ है लेकिन संडे को टेलर बंद था। अब काफ़ी फिर इस कन्फ्यूजन हो जाती है, आप कुछ काम ऐसा आपको समझ नहीं आती आप क्या करें। तो फिर जो मेरी दो जोड़े थे मेरे उनके साथ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ली, और बस फिर मेरे ज़्यादा काम तो था अभी नहीं, तो बस मुझे चाट खानी थी। और चाट में भाई बहुत मज़े की चाट है, इनके साथ तीन चार लोगों ने शुरू तो कर लिया काम लेकिन वो कहते हैं टेस्ट नहीं आता। तो दो दो जगहों से नई जगह से ट्राई किए, तो अब मैनेजमेंट से बोला था जहाँ से हम खाते हैं ना वहीं से खाएंगे। तो इनकी मिट्टी के प्याले की चाट तो वही है लेकिन शायद वो मिट्टी के प्याले की वजह से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये पापड़ी चाट है मलक कलोनी कैंट में, उस साइड पर ही मिलती है। तो जी बस यहीं तक मेरा ब्लॉग था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।